ये देखोगे ना गाइस, ये 2021 किलो के ये चरण चिन्ह है अष्ट धातु के बने हुए, इन्हें देख सकते हो। जो प्रतिमा है वो विराजमान होगी, आप देख सकते हो 65 फुट गहरी फाउंडेशन पर ये 1500 किलो की अष्ट धातु की ये शक्ति पीठ बनी हुई है, जो आप येलो देखोगे ना यही है। यहाँ पर 800 किलो का घंटा ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये देखो, ये पूरी डायमंड की, ये आप देख सकते हो डायमंड की बाबा की प्रतिमा, आप देखो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ना ये गुरुकुल भी है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ट्रेन के डिब्बे में आपको रेस्टोरेंट ये बनाया जा रहा है, जो कि आपको एरोप्लेन के अंदर खाना खाने के लिए मिलेगा। और गाइस इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। गाइस यहाँ से आप सामने से पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है खाटू श्याम दिल्ली धाम। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखोगे तो यहाँ लिखा दिख जाएगा खाटू श्याम दिल्ली धाम। और यहाँ से ना ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर चलने वाले हैं, और अंदर चल के ना मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ। बहुत ही शानदार ये खाटू श्याम का मंदिर बना हुआ है दिल्ली के अंदर, जो कि मैं आपको अंदर जाके दिखाने वाला हूँ। गाइज यहाँ पर आप अपने शो वगैरह रख सकते हो या फिर आप यहाँ पे जमा कर सकते हो। ये जो आप देखोगे ये पार्किंग है यहाँ की, और यहाँ से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। और बताना चाहता हूँ कि अभी ना रात का टाइम हो रहा है, यहाँ पर मैं रात को आया हूँ, यहाँ ना रात का टाइम है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ ना मंदिर बंद भी होने वाला है, तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। और गाइज अंदर आते ही देख सकते हो आप क्या शानदार, यहाँ पर देखो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो काफ़ी, मतलब आपको बहुत ही सुंदर यहाँ पे बना रखा है। गाइज यहाँ क्या है ना, यहाँ पे लोग लाइन से जा रहे हैं देखोगे तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और गाइज अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आप ये देखोगे ना, ये चरण चिन्ह है 2021 किलो के अष्ट धातु के बने हुए ये चरण चिन्ह है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखोगे ना गाइज, ये 2021 किलो के ये चरण चिन्ह है अष्ट धातु के बने हुए, इन्हें देख सकते हो गाइज आप लोग, अष्ट धातु के ये चरण चिन्ह है 2021 किलो के। आप देखोगे यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, 2021 किलो के अष्ट धातु से निर्मित ये चरण चिन्ह है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये देखोगे गाइस, यहाँ पे देखो किस तरीके से पूरा चढ़ावा चढ़ता है यहाँ पे, ये देखो। और ये लोग देखो जा रहे हैं, और ये लोग ना लाइन से जा रहे हैं, और मैं अभी और आगे आपको दिखाऊँगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा इस तरीके से बना हुआ है। और ना गाइज यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि ये जो है 8वां अजूबा है। जी हाँ गाइज, ये 8वां अजूबा होने वाला है, मैं ये चीज़ आपको दिखाऊंगा अभी। और बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार ये गाइज जो मंदिर है वो बना हुआ है, और अभी और आगे चल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखोगे गाइज, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, क्योंकि मैं लाइन लगा के नहीं जा रहा, अगर मैं लाइन लगा के जाऊँगा ना तो आपको मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा। और मैं आपको अभी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर लोग ऊपर से होके जा रहे हैं, और ये देखोगे पूरी लाइन लगी हुई है। तो यहाँ से मैं थोड़ा इस साइड को चल लेता हूँ अंदर की तरफ। और गाइज यहाँ पर देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यहाँ भी देखो किस तरीके से लोग अंदर से होके ये जा रहे हैं, ये देखोगे। और यहाँ पर देख सकते हो गाइज, यहाँ पे ना ये देखो, यहाँ पे आपकी आपको ये सारी शॉप्स मिल जाती है। यहाँ पे आप लड्डू गोपाल को देख सकते हो, ये जो है आपको यहाँ पर लड्डू गोपाल मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा आप ले सकते हो। और आगे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखो, ये बच्चों के टॉयज़ वगैरह, खाटू श्याम की जो ड्रेसेज वगैरह होती है वो सारी आप यहाँ पर ले सकते हो। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे ये आपको स्नैक्स वगैरह की शॉप्स मिल जाती है, स्वीट्स वगैरह आप लेना चाहो, प्रसाद वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर भी आपको बहुत, मतलब ये घूम घूम के पूरी लाइन आई है। आप एक बाउंड्री सी में रहते हो जब आप दर्शन करने के लिए जाते हो, और इधर से ये जो रास्ता है ये खाली है, तो मैं ना इसी रास्ते से होकर जा रहा हूँ। और गाइज यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ, 800 केजी का घंटा। जी हाँ गाइज, 800 केजी का मैं आपको घंटा दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको जूसेस वगैरह हो गए और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, खाने पीने के लिए जो होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बैठ के आप आराम से खा भी सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ घंटा। तो गाइज सामने जो आप ये घंटा देख रहे हो ना, यही घंटा है। और इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो यही है दिल्ली वाले खाटू श्याम। यानी आपको अभी मैं यहाँ से पहले आपको ये दिखाता हूँ, एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। गाइज ये देखोगे ना, यही है यहाँ पर 800 किलो का घंटा, ये देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 800 किलो का घंटा, देख सकते हो। और ये बहुत बड़ा है गाइज, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ा घंटा, ये देखो
बहुत बड़ा घंटा है यहाँ पर, देखो किस तरीके से दो दो तीन तीन लोग बजा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा है देखो, और ये पूरा 800 केजी का, यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ऋषियों मुनियों की आपको यहाँ पर प्रतिमा दिखाई देगी, देख सकते हो। और सामने हमारे बाबा जी बैठे हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे तो ये बाबा जी वहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर देखो ये भीड़ भी है। तो अभी ना मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जहाँ पर अब बनने वाला है मंदिर, यानी वहाँ से जहाँ पर मंदिर बनने वाला है आपको शक्तिपीठ दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे इधर से, तो गाइज ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये आप जो देख रहे हो येलो येलो कलर में जो आप देख रहे हो, ये शक्तिपीठ है। यानी जो अब मंदिर बनने वाला है ना, वो यहीं पर मंदिर बनने वाला है, और यहीं पर बाबा की जो प्रतिमा है वो विराजमान होगी। आप देख सकते हो 65 फुट गहरी फाउंडेशन पर ये 1500 किलो की अष्ट धातु की ये शक्तिपीठ बनी हुई है, जो आप येलो येलो कलर में देख रहे हो। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर गाइस लोग नारियल बांधते हैं, यानी अपने मनोकामना को यहाँ पर बांधते हैं, देख सकते हो नारियल को। और ये शक्तिपीठ है गाइस, मेरे फोन में ना बैटरी भी बहुत कम है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी दिखा रहा हूँ। ये देखोगे ना, ये आप देखो, ये बनी हुई है अष्ट धातु की 15, और उसके बाद ही वहां पर देखोगे तो वहां पे खाटू श्याम वाले बाबा हैं। तो गाइस देख सकते हो सामने जो आप देखोगे ना, यही है बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर। आप देखोगे ना यहाँ पर बाबा की प्रतिमा दिख रही है, और इस साइड देखोगे, इस साइड, और देखो दरबार, देखो कितना सुंदर दरबार यहाँ पर लगा रखा है। और गाइस फोन में बैटरी नहीं है, बहुत कम बैटरी बची हुई है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। और ये देखो, यही है दिल्ली वाले खाटू श्याम बाबा, देखो बहुत ही सुंदर दरबार है गाइस। और यहाँ पर देखो ये पूरा व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार आपको व्यू दिखाई देगा। और इधर देखोगे पंखा, देख सकते हो कितना बड़ा आपको पंखा दिखाई देगा। और यहाँ पर लोगों ने लाइन लगा रखी है, लाइन लगा के, यानी जो लाइन लगा के गए ना, वो करीब से दर्शन कर सकते हैं बाबा से, और बाबा के लिए जो लाए हो वो वहाँ पर वो दे सकते हैं। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आप फूल देख सकते हो, और यहाँ पर ये बाबा की प्रतिमा देख सकते हो, उधर आप एक प्रतिमा देख सकते हो। और तो अभी ना मैं आपको और यहाँ पे दिखाऊंगा, और भी चीजें आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो, और यहाँ पर भी देखो लोग खड़े हुए हैं। तो यानी ये अगर बाबा के दर्शन आप करना चाहते हो तो ये शॉर्टकट रास्ता, यानी वहां से आप आ सकते हो। क्योंकि मैं देखो, ये वो वाली कोई बात नहीं होती है, मैं लाइन में भी आ सकता था, बट मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी, और मुझे, मैं शूट भी नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, जल्द उस शॉर्टकट रास्ते से आया, वरना मैं जहाँ भी दर्शन करने जाता हूँ लाइन में लग के जाता हूँ। ये देखो, तो अभी मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे गाइज। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ बच्चे दिखाई देंगे, जो कि जिन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। और यहाँ पर आपको माता की प्रतिमा दिखाई देगी, गणेश भगवान की आपको प्रतिमा दिखाई देगी। और यहाँ पर देख सकते हो गाइज, सामने आप देखोगे तो ये VIP स्टेज है, ये देखोगे तो ये VIP स्टेज है। और गाइज अभी ना मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो एकदम, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद मैंने किसी और का फ़ोन लिया, तो उसमें क्वालिटी थोड़ी ख़राब आ रही होगी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और रात का भी वक्त है, तो अभी ना गाइज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ जहाँ पर बाबा श्याम के डायमंड की प्रतिमा रखी हुई है, यानी शुद्ध डायमंड से बनी हुई उनकी प्रतिमा रखी हुई है, वो प्रतिमा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर गाइज आप देखोगे ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ना गाइज एक व्यू बना रखा है, आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे ना, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ना काफ़ी लोगों ने, आप देखोगे तो घर बना रखे हैं, देखो ये आप देखोगे ना, पत्थर से लोगों ने अपने घरों को बनाया है, या देखो ये सारे पत्थर आप देखोगे ढेर सारे। और ये जो नज़ारा गाइज आप देख रहे हो ना, ये समुद्र मंथन का नज़ारा है, आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो समुद्र मंथन हो रहा था वो आपको नज़ारा यहाँ पर दिखाई देगा, बीच में आपको शिव जी दिखाई देंगे। समुद्र मंथन के टाइम जो शिव जी ने विष पिया था, तो उसकी वजह से उनका चेहरा जो था वो नीला पड़ गया था, तो वो व्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया, आप ये सामने देख सकते हो। और यहाँ पर लोगों ने, ये देखो किस तरीके से घर बनाए गाइज, ये देखो इतने बड़े बड़े घर बनाए, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी ना गाइज मैं आपको और आगे लेके जाता हूँ, और ये देखोगे पुल टाइप आपको ये बना के यहाँ पे बनाया है, ताकि आपको बहुत अच्छी जो है आपको एक फीलिंग्स आए आपको इसको, और इस पूरी जगह को मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक बार। गाइज आप ये वाली जो जगह देखोगे ना, ये वाली, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस पूरी जगह को, यानी जो इतनी जगह है, आप ये देखोगे ये पुल हो गया, और ये इस जगह को उन्होंने जो नाम दिया है, वो नाम दिया है स्वर्ग द्वार, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने ये यहाँ पे स्वर्ग द्वार इस पूरी जगह को नाम दिया है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ।
यहाँ पे देखोगे तो इस पूरी जगह को स्वर्गद्वार नाम दिया है। और यहाँ पर गाइज एक और पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, तो गाइज यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये पॉइंट आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ना ये मैप बना हुआ है और मैप में बाबा खाटू श्याम की प्रतिमा लगी हुई है। तो यहाँ पर लोग फोटो खींचते हैं, यानी एक ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। आप ये देख सकते हो मैप में खाटू श्याम जी की प्रतिमा लगा रखी है, तो आप भी आओ तो यहाँ पे सेल्फी ले सकते हो। और उसके बाद गाइज आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखो भाई चढ़ावा यहाँ तो बहुत आता है, ये देखो इतना चढ़ावा आता है यहाँ पे। और गाइज ये देखोगे यहाँ पर ये लोगों ने देखो बाबा से मनोकामना मांगी है, ये देख रहे हो, देखो कितने कितने घर बना रखे हैं, जितने भी देख रहे हो ना लोगों ने घर बनाए हुए हैं भाई। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे घर, और ये देखोगे ना भाई इतने बड़े बड़े घर, देखो 10-10, 12-12 मंजिल के घर लोगों ने बाबा से मांगे हैं। देखो ये देख सकते हो यहाँ पर, ये गाइस देखोगे ना ये सारे घर, अभी ना मैं भी आके बनाऊँगा। और ये देखो क्वालिटी कितने जो है वैसी आ रही है यहाँ पर, और देखो लोगों ने घर बनाए हुए हैं देख सकते हो, वो यहाँ तक नहीं ये पूरे यहाँ तक आप देखोगे तो यहाँ तक ये घर बना रखे हैं यहाँ पर देख सकते हो। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो गाइज अभी सीन क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से ना अब रास्ता बंद है, यानी मैं अगर लाइन में लग के आता ना तो वहाँ से आप देखोगे तो जैसे लोग लाइन में होके आ रहे ना तो यहाँ पर आते, और मैं लाइन से आया नहीं हूँ तो यहाँ से अब ये रास्ता बंद है। और जो बाबा के डायमंड वाली जो प्रतिमा है वो यहाँ रखी हुई है इसके अंदर, तो अभी मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई वीडियो बनाने के लिए अगर देखो कोई बना देता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। गाइस यहाँ पर देखोगे ना अब मैं अंदर आ गया हूँ, और ये देखोगे ना गाइस ये पूरी प्योर डायमंड से बनी हुई बाबा की आप देखोगे तो ये आपको प्रतिमा दिखाई देगी। गाइस ये प्योर डायमंड से बनी हुई है, देख सकते हो डायमंड की बाबा की प्रतिमा। और ये देखो ये पूरी गुफा है, देख सकते हो गाइस, ये देखो ये पूरी डायमंड की, ये आप देख सकते हो डायमंड की बाबा की प्रतिमा, आप देखो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ ये प्योर डायमंड से बनी हुई प्रतिमा है जो कि गुफा के अंदर रखी गई हुई है। और देख सकते हो यहाँ पे ना ये जाली लगा दी गई है, ये आप देखोगे ना ये जाली लगा दी गई है। और यहाँ पर ये देखो प्योर डायमंड की, इसे देख सकते हो। और यहाँ पर देखो लाइन से लोग आ रहे हैं, और मैंने ना क्या किया था गाइस, मैं ना यहाँ से कूद के मैं अंदर की तरफ आ गया था, और जबकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, अगर कोई पकड़ लेता मुझे तो डांटता। और बाकी ये देखो यहाँ पे लोगों ने घर बना रखे हैं। तो गाइस ये जो आप शिवलिंग देखोगे ना इसको नर्मदा नदी से इस शिवलिंग को लाया गया था, और उसके बाद इसको एक अच्छी शेप में दे के यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग को आप देख सकते हो, और क्योंकि आपको पता है नर्मदा नदी से ये शिवलिंग ऐसा तो आया नहीं होगा, तो इसके बाद इस पर शेप दी गई और इसको ऐसा बनाया गया और उसके बाद यहाँ पर स्थापित किया गया, आप देख सकते हो। तो ये वो शिवलिंग है, और उसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलने वाला हूँ। गाइस यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे ना ये गुरुकुल भी है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर देखोगे तो ये आप देख सकते हो ये पूरा गुरुकुल है, ये देखो यहाँ से देखोगे वो गेट है, और ये इधर देखोगे ये देखो ऐसे बच्चे रहते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हो ये गुरुकुल में बच्चे रहते हैं, यानी ये यहाँ पर पढ़ते हैं देख सकते हो। तो गाइस ये पुराना जो हमारा पुरानी परंपरा है जो चलती हुई आ रही है तो उनको बरकरार रखे हुए हैं यहाँ पे, और वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए भी मिलती है। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पर कुछ नया हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने गाइस ये आप देखोगे जो ये है ट्रेन का डिब्बा जो होता है ना गाइस, ट्रेन की बोगी, वो आपको दिखाई देगी, ये देख सकते हो ये ट्रेन की बोगी है। और इसको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है रेलवे, यहाँ पे देखो आप पढ़ सकते हो रेलवे जंक्शन रेस्टोरेंट, तो ये जो है ट्रेन के डिब्बे में आपको रेस्टोरेंट ये बनाया जा रहा है, और आने वाले टाइम पे ये बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये चालू भी हो जाएगा, देख सकते हो ये देखो ये पूरा है। और सामने सेम जैसा कि आप देखोगे तो सामने बनाया जा रहा है एरोप्लेन रेस्टोरेंट, जो कि आपको एरोप्लेन के अंदर खाना खाने के लिए मिलेगा, वहाँ पर भी काम चल रहा है यहाँ पर भी काम चल रहा है, यानी दोनों जगह ये बनके तैयार हो जाएंगी। और गाइस इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रतिमा आप ये देख सकते हो, ये देखो एक देख सकते हो ये प्रतिमा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
और यहाँ पर देखो गाइस अभी ना इतने में तो पूरे में अभी तो काम होना बाकी है, रात हो रही है, थोड़ा कम जो है दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये देखो ईंटें लगी हुई है, इधर इधर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ मेरा हाथ है तो यहाँ सरिया वगैरह पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर पूरा अभी काम चलेगा। और सामने आप देख सकते हो ये एरोप्लेन रेस्टोरेंट बनेगा जो कुछ ही टाइम में चालू भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये पूरा है, आप यहाँ पर देख सकते हो इधर जो एरिया आपको जितना दिखेगा ना वो पूरा फूड कोर्ट एरिया है, यानी यहाँ पर आपको पूरा फूड मिलने वाला है। यहाँ पर देखो आप आलू चाट और आलू टिक्की वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें आप जो है सारी चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हो। और यहाँ पर देखोगे तो आपको मसाला डोसा, सांभर वड़ा, सांभर इडली, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। आप देख सकते हो ये पूरा फूड कोर्ट एरिया है यहाँ का, खाटू श्याम, दिल्ली वाले खाटू श्याम का। ये देखो यहाँ पर छोले भटूरे वगैरह, यानी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए, खाने के लिए मतलब मिल जाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और बहुत ही बेहतरीन। और ये काफ़ी बड़ा गाइस जी, काफ़ी बड़ा मंदिर है और देख सकते हो शायद ही दिल्ली के अंदर का सबसे बड़ा मंदिर ये आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देखो एक ये चीज़ है और यहाँ पर लिखा हुआ है श्याम जी, श्याम जी करके लिखा हुआ है फूलों से, आप देख सकते हो। और इस पर वाइट कलर के पत्थर पड़े हुए हैं और ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो यहाँ पर 36 धाम के नियमित 36 गाय माताओं के दर्शन का, गाय माता में बसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो यहाँ पर देख सकते हो ये देखो यहाँ पे लोग कान में कुछ कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कान में कुछ कहते हैं गऊ माता के, ये देखो गऊ माता के कान में कह रहे हैं कुछ, यहाँ पर देख सकते हो। और इसके बाद ना गाइस यहाँ पर एक आप देखोगे सामने, ये देखो ये सामने श्री कृष्ण भगवान आपको दिखाई देंगे कान्हा जी, और उसके बाद ये सारे गोकुलवासी आपको दिखाई देंगे। ये देखो ये नीचे सब और ये ऊपर गोवर्धन पर्वत आपको दिखाई देगा, ये देखो जो कि उन्होंने एक छोटी सी उंगली के ऊपर उन्होंने उठा रखा है, आप देख सकते हो। ये दृश्य भी यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ देखो बत्तख ये है और ये देखो ये पूरा, तो ये सारा दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। फाइनली गाइस मैंने आपको जो है पूरा दिल्ली का खाटू श्याम मंदिर जो है वो मैंने आपको दिखा दिया, यानी दिल्ली श्री खाटू श्याम धाम मैंने आपको दिखा दिया है। तो गाइस अब मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, एंड गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय।